हेलो स्टूडेंट्स हेलो 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 क्या चाल है बच्चा लोग एम आई ऑडिबल एक मिनट रुकिएगा चेक कर लेते हैं मिनट लाइव में चलो आ तो रहा है आवाज़ आ रही है क्या बच्चों हेलो 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 चलो वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ठीक है आई थिंक दो वीक बाद सेशन हो पा रहा है हेलो प्रशांत हवारू हेलो श्रुती पारिक क्या हालचाल है that, okay. तो चलो बच्चों आज हम है ना रेशनलाइजेशन चीजें स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज सर्च ठीक है एंड इससे रिलेटेड कि आप रेशनलाइजेशन किस तरीके से आप कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं वहां पे जिनको आपको ध्यान में रखना है ठीक है और उसपे बेस्ड कैसी कैसी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेलो यू बेटा क्या हाल चाल है ठीक है तो चलो सर्ट्स का मतलब क्या देखो बच्चों आपने इंडेक्स एक्सपोनेंट्स वगैरह इन सब चीजों के बारे में बात की हुई है ठीक है अगर मैं यहाँ पे बात करूं ध्यान से सुनिएगा कि मान लो ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन एथ रूट ऑफ ए जहां एन एक नेचुरल नंबर है और एन का वैल्यू वन से बड़ा है और ए जो है किसी अनदर नंबर बी के लिए एन की पावर में नहीं लिखा जा सकता ठीक है ए को बी की पावर एन मतलब ये फॉर एग्जांपल मैं जैसे बात करूं कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्योंकि अंदर अगर वो स्क्वायर रूट है ठीक है तो, तो फोर जो है ना वो टू का स्क्वायर है वो टू का स्क्वायर है ठीक है तो इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है सेकेंड रूट ऑफ ए सेकेंड रूट ऑफ ए ठीक है आई बात समझ में यही रख दो रिमोट ठीक है आई बात समझ में ठीक है अगर मान लो क्यूबिक रूट ऑफ थ्री लिखना है मेरे को ठीक है क्यूबिक रूट ऑफ थ्री दैट इज लाइक दैट ठीक है ना आई बात समझ में ठीक है अगर मान लो मुझे फोर्थ रूट ऑफ फाइव लिखना है तो फाइव पे पावर वन बाई फोर हो जाएगा ठीक है तो मैं ये इन शॉर्ट ये बोल सकता हूं क्या कि एन रूट ऑफ ए कैन बी रिटर्न एज ए पे पावर वन अपॉन एन ए पे पावर वन अपॉन एन रेश एंड प्रपोर्सन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे अपन ठीक है बेटा क्लियर है ठीक है तो ये आपका सर्ट होंगे ठीक है अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा दो आप लोगों को पता होगा जैसे 2 पे पावर 2/3 इक्वल्स टू 4 पे पावर 1/3 होता है 2 पे पावर 2/3 एंड 4 पे पावर 1/3 होता है ये दोनों इक्वल होते हैं बट अगर मैं यहां पे बात करूं कि इनमें से कौन सा सर्ट्स है कौन सा नहीं है तो बच्चों देखो ये तो सर्ट्स है बट ये सर्ट्स की फॉर्म में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सर्च की फॉर्म में होने के लिए इसको ए पे पावर वन अपॉन एन की फॉर्म में लिखा जाना जरूरी है और जहां पे एन का जो वैल्यू है ना वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए बट जैसे मैं इस चीज को लिखता हूं कि ये वन अपॉन थ्री पे वन अपॉन थ्री बाई टू आएगा एंड थ्री बाई टू नेचुरल नंबर नहीं है हालांकि ये दोनों चीजें देखो बच्चों इक्वल तो है इक्वल तो है ठीक है दोनों की वैल्यू इक्वल है बट अगर मैं बात करूं इनमें से सर्ट्स कौन है तो फोर पे पावर वन बाई थ्री जो है वो आपका सर्ट्स होगा इस चीज का ध्यान रखिएगा ठीक है बच्चों, उसके अलावा जो भी आप काम अभी तक करते आए हो ठीक है एक्सपोनेंट वाले पार्ट में वो सारी चीजें आप कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा कि अगर एन एथ रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ एनए रूट ऑफ बी अगर करूं मैं तो ये जो चीज़ है एन रूट ऑफ ए इंटू बी बनेगा या फिर एन रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन रूट ऑफ बी इक्वल्स टू एन रूट ऑफ ए अपॉन बी बनेगा क्लियर है ठीक है उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर मेरा बेस सेम हो जाए अगर मेरा बेस सेम हो जाए बट एक्सपोनेंट अलग अलग हो जाए एक्सपोनेंट अलग अलग हो जाए ठीक है तो इस चीज को क्या मैं ए पे पावर वन अपॉन एन लिख सकता हूं और ये ए पे पावर वन अपॉन एन लिख सकता हूं तो जैसा हम करते आए ना उस तरीके से हम इसको एड ऑन कर देंगे वन प्लस एम प्लस वन अपॉन एन जो हम एक्सपोनेंट वाले पार्ट में करते उस तरीके से कर सकते ठीक है।, है उसके अलावा एक छोटी सी चीज और है ध्यान रखिएगा अगर एनए रूट ऑफ ए और Nth root of B को कंपेयर किया जाए और अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो डेफिनेटली एनएच रूट ऑफ ए का वैल्यू एनएच रूट ऑफ बी से हमेशा ही लार्जर फॉर्म में होगा हमेशा क्या होगा उससे लार्जर फॉर्म में होगा आई बात समझ में क्लियर है ठीक है एल्जेब्रा में आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक है ए माइनस बी होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी ठीक है अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन की ध्यान से सुनेगा बच्चों जब भी डिनोमिनेटर के अंदर इेशनलिटी आती है और वो भी किस वजह से सर्ट्स की वजह से ठीक है जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही इरैशनल नंबर को रैसलाइज़ कर पाए कैसे जैसे फॉर एग्जांपल वन अपॉन पाई है इसको हम कभी भी रैसलाइज़ नहीं कर पाएंगे ठीक है ना क्योंकि पाई का कोई कंजुगेट नहीं होगा कोई रैसलाइज़िंग फैक्टर नहीं होगा ठीक है ठीक है तो अगर डिनोमिनेटर में इरैशनल आता है किस वजह से आता है सर्ट्स की वजह से आता है तो उस पार्ट को ही हम रैसलाइज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे दो तीन तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है दो तीन तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है जैसे पहली प्रॉब्लम कि वन अपॉन ए प्लस रूट बी टाइप का हो दूसरा प्रॉब्लम वन अपॉन ए माइनस रूट बी टाइप का हो वन अपॉन रूट ए प्लस रूट बी टाइप का हो वन अपॉन रूट ए माइनस रूट बी टाइप का हो और ओनली वन अपॉन रूट ए टाइप का ठीक है मैं मैं यहां पे बात कर रहा हूं जब सर्ट्स जो है पावर जो है वो वन बाई टू है स्क्वायर रूट वाले केसेस में मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो होना क्या चाहिए ध्यान सुनिएगा कि पहली चीज वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए दूसरी चीज दूसरी चीज डिनोमिनेटर से इरेशनलिटी हट जानी चाहिए ठीक है तो अगर अकेला इस तरीके का नंबर अगर मेरे को दिखाई देता है तो सबसे पहला काम क्या होगा कि रूट ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं रूट ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो सिंपलेस्ट रेशनल नंबर फॉर्म में बन जाए ठीक है तो इस टाइप के नंबर्स को एक काम करते हैं सेम वापस इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट ए होगा क्या इससे ऊपर तो रूट ए आ गया नीचे कितना आ गया बच्चों ए आ जाएगा क्लियर है पहले टाइप की प्रॉब्लम ठीक है <coughs> ये दो अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है और ये दो अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है ठीक है यहां पे क्या हो रहा है ना कि दो नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं डिनोमिनेटर के अंदर दो नंबर जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं डिनोमिनेटर में ठीक है बट रूट जो है वो सिर्फ एक नंबर पे लगा हुआ है स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ एक नंबर पे लगा हुआ है अगर मैं यहां से सुनना कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं पहली और दूसरी प्रॉब्लम के अंदर ठीक है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं होता है क्यों नहीं होता है देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी प्लस टू ए रूट बी बनेगा टू ए रूट पी बनेगा इेशनलिटी अभी भी मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ठीक है तो होना क्या चाहिए कोई ऐसी दिखाई दे इन्हीं दो टर्म्स का स्क्वायर दिखाई दे।, दे और कोई तीसरी टर्म दिखे ही नहीं आपको आई बात समझ में क्यों क्योंकि देखो इन दोनों का स्क्वायर होने पे यहां तो इेशनलिटी हट गई बट जब तीसरी टर्म साथ में आई उस वजह से इरेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे ठीक है तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है जहां पे उस तरफ उन्हीं दो नंबर का स्क्वायर दिखाई दे बिल्कुल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब होता है जब हम x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं किसको x प्लस वाई को x माइनस से या फिर ये बोल सकते हैं कि x माइनस को x प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो बच्चों अगर मैं यहां पे x मान लू a को y मान लू रूट बी को तो क्या मैं इस चीज को a माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर दू होगा क्या यहां पे a माइनस रूट बी ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी आएगा नीचे क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी आएगा क्लियर है Clear है, ये clear है, चीज ठीक है यहां अगर माइनस है तो ऊपर नीचे रूट बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं A plus root B से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A plus root B, A square minus B. अब जब स्क्वायर रूट जो सिंबल था पहले दो के अंदर सिर्फ एक पार्ट पे था यहाँ पे दोनों पार्ट पे है ठीक है तो दोनों जगह स्क्वायर होना चाहिए आइडेंटिटी तो हम वही यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे तो यहां पे भी सिंपलेस्ट उसी तरीके से हम चलेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए माइनस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन ए माइनस बी ठीक है अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा ये जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर रेसलाइज हो रहा है इन सब नंबर्स को रेसलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है क्या बोला जाता है बच्चों रेसलाइजिंग फैक्टर बोला जाता है ठीक है ना कॉन्जुगेट है पहले चार केस में उसको कॉन्जुकेट भी बोलते हैं केस में वो पांचवेंट नहीं होगा ध्यान रख लीजिएगा ठीक है ये इन, क्या इनको? फैक्टर बोलेंगे बोलेंगे हम इनको फैक्टर अगर टर्म है है रूट ए टाइप है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो अगर एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई के टाइप का है तो उसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप से चीजों को बनाओ सिंप्लीफाई करो फटाफट से एक बार इसको लिख लो फटाफट से एक बार लिख लो इसको क्यूब रूट वाला भी करेंगे बच्चा रूट वाला भी करेंगे क्यूब रूट वाला भी करेंगे चिंता ना करो हां निरुद्ध बेटा ये भी है चीजें उसमें चिंता ना करो ठीक है बेटा चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े चलो तो करो एक प्रॉब्लम करते हैं छोटी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड वन अपॉन रूट टू प्लस वन वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री एंड सो ऑन रूट वन अपॉन रूट हंड्रेड प्लस रूट नाइन्टी नाइन एंड इसका अंडर रूट बताना है फटाफट से कीजिएगा फटाफट से कीजिएगा उसके अलावा वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री वन माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री इसको रेसलाइज करना है ठीक है थर्ड वन रूट फाइव रूट सिक्स root 7 root 5 root 6 root 7 root 5 root 6 root 7 minus root 5 root 6 root 7 compare root 6 minus 2 which is equals to a एंड बी का वैल्यू है टू रूट टू माइनस रूट सिक्स ठीक है इन दोनों को कंपेयर करना है कि ए और बी में कौन लार्जर कौन स्मॉलर ए इक्वल्स टू रूट ट्वेंटी सेवन प्लस नहीं होगा माइनस रूट ट्वेंटी सिक्स बी का वैल्यू है रूट ट्वेंटी एट रूट ट्वेंटी सेवन सी का वैल्यू है रूट ट्वेंटी नाइन रूट ट्वेंटी एट ठीक है अगला है द नंबर ऑफ इंटीजर्स द नंबर ऑफ इंटीजर्स एक्स विद satisfy थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री करो इसको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो तीन मिनट का समय आप लोगों के पास वेरी गुड बेटा हेलो स्मित अनिरुद्ध एथुषमोन चलो करें पहला प्रॉब्लम करें पहला तब तक, तक आप लोग सेकंड प्रॉब्लम कर लीजिएगा ठीक है देखिएगा आप लोगों को बोला गया है वन अपॉन रूट टू प्लस वन वन अपॉन रूट थ्री प्लस रूट टू वन अपॉन रूट फोर प्लस रूट थ्री एंड अप टू हंड्रेड प्लस रूट नाइनटी नाइन ऐसी कोई चीज दे रखी है ठीक है नमस्कार 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 ठीक है ऐसी कोई चीज दे रखी है ठीक है जब भी ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ है ना आपको एक लगातार एक लंबा सा पैटर्न आपको जब भी दिखाई दे गारंटी है वहां पे कुछ चीजें ऐसे सिमिलर टाइप की होंगी जैसे फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे ना यहां पे टू वन थ्री टू फोर थ्री इन नंबर का डिफरेंस सेम चल रहा है कई जगह हो सकता है इन नंबर का सम सेम चल रहा हो ठीक है ना यहां पे क्या चल रहा है डिफरेंस सेम चल रहा है ठीक है तो एक काम करता हूं क्या मैं इस चीज को ऐसा बोल दूर कि डिनोमिनेटर में मेरे पास रूट ए प्लस रूट बी टाइप की चीज दे रखी है ठीक है ए और बी के अंदर भी डिफरेंस एक्चुअली क्या है है। कि का ही है। तो एक काम करता हूं। इसको मैं रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी अच्छा ए माइनस बी कितना है बेटा वन है ठीक है तो हर जगह वन 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 आएगा और डिनोमिनेटर में वन मतलब कोई सेंस है नहीं उस चीज का इतना ठीक है ना इतना कोई सेंस है उसका है नहीं ठीक है ऐसा भी हो सकता है ये रूट टू प्लस रूट फोर टाइप का होता। रूट फोर प्लस रूट का होता। रूट प्लस रूट एट का होता 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 तो में वन टू आता। तो में आता उस वन टू को आप ले लेते ठीक है 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 वो करता है कि कैसा दिया हुआ बट इतनी जरूरी बात है कि हर जगह से जो भी डिनोमिनेटर आएगा वो कॉमन आएगा इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर ठीक है अब बात करते हैं तो एक्चुअली a माइनस बी का वैल्यू यहां पे वन होगा तो ये क्या बनेगा रूट ए माइनस रूट बी बनेगा ठीक है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों एक्चुअल में अंडर रूट तो यहां पे आ गया रूट टू माइनस वन रूट थ्री माइनस रूट टू रूट फोर माइनस रूट थ्री रूट फाइव माइनस रूट फोर अप टू कहां तक चलेंगे बेटा रूट हंड्रेड माइनस रूट नाइंटी नाइन ठीक है देखो, रूट टू से रूट टू गया रूट थ्री से रूट थ्री गया रूट फोर से रूट फोर गया रूट फाइव से रूट फाइव पहले वाले पार्ट का अगर सेकंड पार्ट बचा है तो लास्ट वाले पार्ट का फर्स्ट पार्ट बचेगा क्या हंड्रेड माइनस वन ठीक है कितना हो जाएगा ये टेन माइनस वन नाइन कितना जाएगा बच्चों ये थ्री इज द राइट आंसर थ्री इज द राइट आंसर क्लियर है क्लियर है चेक करो <laughs> आएगा बेटा आएगा आएगा चंद्रशेखर ठीक है चलो सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या है वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री ठीक है अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा एक चीज ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे हमारे पास ऐसी ऐसा एस कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसके अंदर हम ऐसा कुछ कर सके कि तीनों नंबर का स्क्वायर कर ले जैसे दो नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं थी दो नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं थी बट यहाँ पे ऐसा कोई तीन नंबर्स नहीं है जहां तीनों का स्क्वायर हो सके ठीक है ये बात क्लियर है ठीक है तो एक काम करता हूं मैं इस चीज को इस तरीके से लिखता हूं वन प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री और नीचे वाले पार्ट को वन माइनस रूट टू को अलग लिखता हूं वन बाय वन करके इसको दो बार एसलाइज करना पड़ेगा कितनी बार एसलाइज करना पड़ेगा दो बार अगर तीन टर्म्स हैं तो ठीक है तो ऊपर में क्या करूं यहां पे वन माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी वन माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एज जैसा हम नॉर्मल करते हैं वो होगा नीचे क्या बनेगा नीचे क्या बनेगा नीचे बनेगा वन माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर मैंने इसको ए माना है इसको बी माना है ए प्लस बी था मैंने यहां ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया है ऊपर देखते हैं पहले ये वन इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा वन रूट टू माइनस रूट थ्री अब ये रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो प्लस रूट टू माइनस टू माइनस रूट सिक्स फिर प्लस रूट थ्री माइनस रूट सिक्स प्लस माइनस थ्री यही बनेगा क्या बेटा ठीक है चेक करते हैं आगे क्या हुआ ध्यान से देखते हैं ये रूट टू इस रूट टू से कैंसिल आउट होगा ये रूट थ्री इस रूट थ्री से कैंसल आउट होगा यस और नॉट माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर ये रैशनल पार्ट हो गया और क्या बचा है भाई साहब यहाँ पे माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स माइनस टू रूट सिक्स बचा है क्या माइनस टू रूट सिक्स बचा है क्या क्लियर है बच्चों क्लियर है डिवाइडेड बाय अब यहां पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वन प्लस टू माइनस टू रूट टू प्लस थ्री माइनस क्या बच गया बेटा? 2 2। ये बना। है? क्या इस चीज को मैं और सिंपलीफाई करूं टू रूट टू से तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा मेरा ये तो रूट टू प्लस रूट थ्री यही मेरा फाइनल आंसर होगा ठीक है दूसरी बार एसलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरी बार एसलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को क्लियर है क्या क्लियर है क्या चेक करो <coughs> क्लियर है क्या लिख लो लिख लो फटाफट लिख लो आगे बढ़े नेक्स्ट वन बिल्कुल बेटा चलो रूट फाइव प्लस रूट सिक्स इंटू रूट फाइव प्लस रूट रूट सिक्स माइनस सेवन मल्टीप्लाई विद रूट फाइव माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन मल्टीप्लाई विद माइनस रूट फाइव प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन बेटा स्वरा डिनोमिनेटर में रूट टू प्लस रूट थ्री अलग से नहीं है बेटा वो माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री दिया हुआ है ठीक है बेटा ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो क्या यहां पे देखो वन प्लस टू थ्री और ये अकेला थ्री दिख रहा था तो उससे मेरे को फायदा हो रहा था कि अगर सेकेंड टाइम रेसलाइजेस करना भी पड़ा तो ओनली रूट टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता मुझे बट वो भी कैंसल आउट हो गया पहले ही चलो रूट फाइव प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन रूट फाइव, रूट सिक्स रूट सेवन माइनस रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन रूट फाइव माइनस रूट सिक्स रूट सेवन रूट फाइव रूट सिक्स माइनस रूट सेवन ठीक है ये दिया हो बेटा क्लियर है तो देखो यहाँ पे चार चीजें हैं मैं दो दो को पेयरिंग करूँगा और वहां पे मेरे सामने a प्लस बी ए माइनस भी दिखेगा कैसे अगर मैं इसको एक पार्ट मान लू और इसको एक पार्ट मान लू पहले दो पार्ट में तो मुझे साफ साफ a प्लस बी ए माइनस भी दिख रहा है पहली चीज दूसरी चीज अगर बच्चों मैं इसको यहां पे अलग मान लू और ये चीज देखो अगर यहां पे अगेन a माइनस बी है तो यहां a प्लस बी है क्लियर है ठीक है तो पहले वाली चीज तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा माइनस रूट फाइव का स्क्वायर प्लस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर ऐसा कुछ बन जाएगा क्या ध्यान से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है इस वाली चीज को एक काम करता हूं मैं रूट फाइव माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सेवन ठीक है रूट फाइव प्लस रूट सिक्स माइनस रूट सेवन ऐसा लिख दू क्या अच्छा रूट फाइव का स्क्वायर माइनस फाइव सिक्स प्लस सेवन थर्टीन प्लस टू रूट फोर्टी टू क्लियर है क्या यहां देखो रूट फाइव रूट फाइव फाइव माइनस इस बार क्या होगा बच्चों रूट सिक्स रूट सेवन का होल स्क्वायर बनेगा क्या माइनस फाइव प्लस थर्टीन एट प्लस टू रूट फोर्टी टू ये बनेगा यहां देखते माइनस एट प्लस टू रूट फोर्टी टू यही बनेगा क्या चेक कर लो एक बार चेक कर लो एक बार ये बनेगा ना कि क्यों क्योंकि अगर मैं इसको देखू तो क्या बनेगा फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन प्लस टू रूट फोर्टी टू बनेगा है ना तो माइनस एट प्लस टू रूट फोर्टी टू ए माइनस बी ए प्लस क्या बनेगा ये ए का स्क्वायर माइनस एट का स्क्वायर अच्छा टू का स्क्वायर फोर इन टू फोर्टी टू ठीक है माइनस सिक्सटी फोर फोर टू एट तो कॉमन ले लो ट्वेंटी वन माइनस एट थर्टीन इंटू एट वन जीरो फोर इज द राइट आंसर वन जीरो फोर इज द राइट आंसर ठीक है लिखो फटाफट क्लियर <coughs> है ठीक है कितने बच्चों का सही आया था कितने बच्चों का सही आया था आगे बढ़े आगे बढ़े क्यों नंबर फोर अब एक चीज ध्यान से देखिएगा चलो पहले फोर वाला करो ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना अगले वाला एक काम करते हैं अगले वाले से पहले मैं एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ठीक है जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए बिल्कुल कर सकते हो अमन जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आए फोर्थ वाले टाइप की देखो दो टाइप के कंपैरिजन होंगे पहला ऐसा हो सकता है रूट ए प्लस बी और रूट सी प्लस रूट डी को कंपेयर किया जाए ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है रूट ए माइनस बी रूट सी माइनस रूट डी को कंपेयर किया जाए ठीक है क्लियर है यहां पे एक चीज होगी ध्यान से सुनिएगा या तो ऐसा कुछ होगा कि ए प्लस बी का वैल्यू सी प्लस डी के इक्वल आ रहा होगा ए प्लस बी का वैल्यू सी प्लस डी के इक्वल आ रहा होगा पहली चीज तो ये है अगर ऐसा हुआ तो बस आपको क्या करना है अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा हुआ कि ए प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल आया तो ए इंटू बी और सी इंटू डी को कंपेयर करो मान लो ये बड़ा नंबर है इंटू बी सी इंटू डी को कंपेयर करो मान लो ये बड़ा नंबर है अगर ऐसा है तो उस केस में ये चीज बड़ी होगी और नीचे वाले केस में ये चीज बड़ी होगी क्लियर है कैसे कैसे आप एक चीज सिंपल सा सोचो अगर फोर ग्रेटर देन थ्री है तो ऑब्वियस सी बात है क्या फोर का स्क्वायर थ्री के स्क्वायर से बड़ा होगा क्या फोर का स्क्वायर थ्री के स्क्वायर से बड़ा होगा क्या ठीक है तो मैं इस चीज को यो समझता हूं ध्यान से सुनना फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फोर जा, ट्वेंटी, एंड थ्री जा एटीन। मैंने इन दो नंबर का कंपैरिजन कर रहा हूं सच दैट ए प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल आ रहा है ए प्लस बी सी प्लस डी के इक्वल आ रहा है क्या चेक करो चेक करो चेक करो आ रहा है ना पहले वाला केस है मेरा ये और और अगर मैं यहां रूट सिक्स माइनस रूट फोर एंड रूट फाइव माइनस रूट थ्री को कंपेयर कर लू अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो सिक्स माइनस फोर टू फाइव माइनस थ्री टू आ रहा है क्या अच्छा मैं प्लस वाला केस कर रहा हूं ओके ठीक है। रूट फाइव माइनस रूट फोर रूट सिक्स माइनस रूट थ्री ठीक है मैं ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी है इस चीज को कंपेयर कर रहा हूं ठीक है क्या करूंगा मैं एक काम करता हूं स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी बनेगा यहां क्या बनेगा बच्चों सिक्स प्लस थ्री प्लस टू इंटू रूट एटीन बनेगा देखो नाइन से नाइन गया टू से टू गया रूट ट्वेंटी इधर आया और रूट एटीन इधर आया क्या यस yes और नॉट बताओ रूट ट्वेंटी और रूट एटीन में कौन बड़ा ये वाला अमाउंट बड़ा है क्या ये बड़ा है क्या ये है क्या तो ऐसा आ जाएगा तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर ए इंटू बी सी इंटू डी से बड़ा आएगा तो ओबे सी बात है इस केस में ये चीज बड़ी होगी ठीक है यहां पे अगर मैं देखूं तो फाइव प्लस फोर माइनस टू रूट ट्वेंटी और यहां पे आएगा सिक्स प्लस थ्री माइनस टू रूट एटीन नाइन और नाइन तो गया ठीक है अब यहां पे एक समस्या ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा हमको पता है रूट ट्वेंटी रूट एटीन से बड़ा होता है <coughs> रूट ट्वेंटी रूट एटीन से बड़ा होता है टू रूट ट्वेंटी टू रूट एटीन से बड़ा होगा बट जैसे मैं इन इक्वलिटी के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा जैसे मैं इन के अंदर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा मेरा इनक्वलिटी बदल जाएगा क्या यस और नॉट तो इस केस में ये चीज बड़ी होगी तो ये वाला चीज बड़ा हो जाएगा क्या यस और नॉट ठीक है ये कौन सा केस लिया मैंने ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ए माइनस बी सी माइनस डी के इक्वल हो ऐसा भी हो सकता है ठीक है अब जैसे वापस आते हैं हम इस प्रॉब्लम पे क्या दिया हुआ ध्यान से सुनिएगा ए का वैल्यू रूट सिक्स माइनस रूट टू दिया हुआ है ए का वैल्यू रूट सिक्स माइनस टू दिया हुआ है बी का वैल्यू टू रूट टू माइनस रूट सिक्स दिया हुआ है ये दिया हुआ बेटा देखने पे आपको लग रहा होगा कि यार ये इस टाइप की प्रॉब्लम तो है नहीं एक्चुअली बट अगर आप ध्यान से देखोगे क्या इस चीज को मैं रूट सिक्स माइनस रूट फोर एंड इधर वाले पार्ट को रूट एट माइनस रूट सिक्स लिख सकता हूं क्या चेक करो चेक करो ये लिख सकता हूं क्या अब यहां से दो तरीके है करने के देखो यहां पे देखो सिक्स माइनस फोर टू है एट माइनस सिक्स टू है तो ए माइनस बी सी माइनस डी वाला केस आएगा ठीक है आई बात समझ में एक काम करते हैं हम इसको रूट सिक्स माइनस रूट फोर को रेसलाइज करते हैं किस से रूट सिक्स प्लस रूट फोर से कर दिया और इधर क्या आएगा बेटा रूट एट रूट सिक्स रूट एट रूट सिक्स रूट एट रूट सिक्स ऊपर क्या आएगा बेटा टू नीचे क्या आएगा बेटा रूट सिक्स प्लस रूट फोर यहाँ क्या आएगा टू नीचे क्या आएगा बेटा रूट एट प्लस रूट सिक्स यह आएगा क्या चेक करो चेक करो आएगा क्या अब यहां पे देखो इन दोनों के न्यूमरेटर तो सेम हो गया डिनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे यहां पे भी रूट सिक्स, है, यहां पे भी रूट सिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है रूट एट और रूट फोर में कौन बड़ा है रूट एट तो मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है क्या अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो एग्जैक्ट वैल्यू विल बी स्मॉलर देन तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी क्या क्यों ये वाली वैल्यू क्यों बड़ी होगी क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है फोर बाई टू एंड फोर बाई थ्री आप इस एग्जाम्पल से समझो फोर बाई टू कितना होता है टू होता है फोर बाई थ्री कितना होता है वन पॉइंट थ्री थ्री डिनोमिनेटर में जितने वैडी वैल्यू डालोगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू उसकी वैल्यू जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी ये बड़ा तो ये बड़ा तो ये बड़ा तो ए इज ग्रेटर देन बी पड़ापड़ से लिखो इसको लिख लिया चलो नेक्स्ट वन रूट ट्वेंटी सेवन माइनस रूट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन फिफ्थ वन ए का वैल्यू रूट ट्वेंटी सेवन माइनस रूट ट्वेंटी सिक्स बी का वैल्यू रूट ट्वेंटी एट माइनस रूट ट्वेंटी सेवन सी का वैल्यू रूट ट्वेंटी नाइन माइनस रूट ट्वेंटी एट ठीक है क्लियर है अब अगेन ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहां है, ठीक है क्या मैं इस चीज को वन अपॉन रू ट्वेंटी सेवन रू ट्वेंटी सिक्स लिख सकता हूं क्या मैं इस चीज को रू ट्वेंटी एट रूट ट्वेंटी सेवन लिख सकता हूँ क्या मैं इस चीज को रूट ट्वेंटी नाइन रूट ट्वेंटी एट लिख सकता हूँ क्या मेरा जो डिनोमिनेटर है मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा कहाँ है सी ऑप्शन में है सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कहाँ है सी ऑप्शन में है तो सी सबसे छोटा होगा बी उसके बाद होगा ए सबके बाद होगा क्लियर है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसकी वैल्यू से सबसे कम ठीक है ठीक है तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चले आगे चले आगे सिक्स वन क्या दिया हुआ थ्री अपॉन वन प्लस रूट थ्री थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस वन एक्स थ्री अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री ऐसा कुछ है क्या हम्म सही है ठीक है तो एक काम करते हैं वन बाय वन एक एक पार्ट को रेसलाइज करके देखते हैं एक एक पार्ट को रेसलाइज करके देखते हैं ठीक है क्या बनेगा ये? थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू इज लेस देन एक्स अपॉन लेस देन थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री अपॉन टू ये बनेगा क्या बच्चों ध्यान से देखो ध्यान से देखो ठीक है एक काम और करते हैं थ्री टाइम्स रूट थ्री माइनस वन टू एक्स थ्री रूट फाइव प्लस रूट थ्री ठीक क्लियर है <coughs> एक काम करो रूट थ्री का वैल्यू कितना था वन पॉइंट सेवन थ्री टू वन पॉइंट सेवन थ्री टू में से वन जाएगा तो पॉइंट सेवन थ्री टू

अगर टू पॉइंट समथिंग बाईस टू पॉइंट टू आंसर होगा ना टू पॉइंट टू के आसपास होगा वन पॉइंट सेवन थ्री टू ठीक है कितना जाएगा ये नाइन थ्री टू थ्री पॉइंट नाइन थ्री टू थ्री पॉइंट नाइन थ्री टू ठीक है तो टू पॉइंट वन नाइन सिक्स लेस देन टू एक्स ठीक है चार तीन बारह ग्यारह पॉइंट समथिंग कुछ होगा ठीक है डिवाइड कर दो वन पॉइंट समथिंग से लेके एक्स का वैल्यू फाइव पॉइंट समथिंग तक जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी टू आएगी थ्री आएगी फोर आएगी और फाइव क्योंकि ये फाइव पॉइंट समथिंग है टू थ्री फोर फाइव ये चार वैल्यू जाएंगे लिख लो फटाफट ठीक है लिख लिया बच्चों चलो अब अगले टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स जो सर्ट्स एंड रैशनलिटी पे बेस्ड है ध्यान से देखिएगा लिखो इफ ए इक्वल्स टू थर्ड रूट ऑफ फोर ठीक है फाइंड थ्री अपॉन ए थ्री अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन ए क्यू पहला प्रॉब्लम तो ये है सेकंड है एक्स प्लस वाई थ्री रूट फाइव माइनस रूट टू एक्स माइनस वाई थ्री रूट टू माइनस रूट फाइव तो आपको बताना है एक्स इंटू वाई कितना होगा ठीक है सेवेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी रूट थर्टीन प्लस सेवेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी रूट थर्टीन और ये है क्यूबिक रूट इसी पे बेस्ड एक और लिख लो फाइंड ट्वेंटी फाइव टेन रूट फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन रूट फाइव करो इसको अरे भी हो भी गया बेटा चैनल पे आया है ना चैनल पे आई है बेटा। प्लस होगा प्लस होगा प्लस होगा करो 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 कर लिया। Okay. चलो देखो पहले वाले में क्या है क्यूबिक रूट ऑफ फोर प्लस क्यूबिक रूट ऑफ टू प्लस क्यूबिक रूट ऑफ वन क्यूबिक रूट ऑफ फोर क्यूबिक रूट ऑफ टू प्लस वन ठीक है और अगर आप इधर ध्यान से देखोगे ना तो आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया एक काम करो थोड़ा सा चला के करके जो पूछा गया उसको ऐसे लिख दो प्लस वन माइनस वन दे दो उसको ऐसा क्यों किया सर ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो चीज मेरे को दिखाई दे रही है क्या ये वन अपॉन ए प्लस वन का होल क्यूब माइनस वन दिख रहा है क्या देखो वन थ्री थ्री

क्यूबिक रूट ऑफ फोर क्यूबिक रूट ऑफ टू प्लस वन ठीक अब कुछ देर पहले एक बच्चे ने पूछा था सर क्यूब वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर जब हम करते हैं तो उसको किस तरीके से किया जाए स्क्वायर रूट वाले में तो चलो हम ऐसा कर देते हैं ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो क्यूब वालों में ऐसा नहीं होता है ठीक है अच्छा एक काम और करता हूं छोटा सा काम और ध्यान से सुनना क्यूबिक रूट ऑफ टू को मैं टी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं टी मान लेता हूं तो बेटा क्यूबिक रूट ऑफ फोर क्या मेरा टी स्क्वायर बनेगा क्यूबिक रूट ऑफ टू को अगर मैंने टी माना है तो क्यूबिक रूट ऑफ फोर मेरा टी स्क्वायर बनेगा तो एक्चुअल में ये जो चीज लिखी गई है क्या ये टी स्क्वायर टी प्लस वन दिख रहा है दिख रहा है तो क्या बनेगा बेटा वन अपॉन ए वन अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस वन टी माइनस वन टी माइनस वन से मल्टीप्लाई करें क्यों करें क्योंकि ये वाला पार्ट मुझे एक्सर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस मुझे कहां देता है मैंने किया इससे हुआ क्या ये तो मेरा t माइनस वन हो गया और नीचे मेरा टी क्यूब माइनस वन हो गया अच्छा यहां से अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो बेटा टी क्यूब का वैल्यू टू आएगा क्या तो ये मेरा टी माइनस वन होगा क्या ये मेरा टी माइनस वन होगा क्या यस और नॉट ठीक है अगर ये क्योंकि ये तो वन हो गया अच्छा माइनस वन को इधर ले आता हूं तो वन अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल्स टू मेरा टी हो गया मुझे तो क्यूब चाहिए एक काम करो क्यूब कर दो अच्छा टी का क्यूब मतलब ये टू मतलब ये टू हो गया अच्छा ये वैल्यू रख दो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये माइनस वन इक्वल्स टू वन आ जाएगा क्या चेक करो आएगा कि नहीं आएगा देखो फटाफट से प्रशांत बेटा चैनल पे आएंगे ना बेटा चैनल पे आ चुके हैं वैसे तो बेसिक ऑफ फैलजेबरा वाली तो आगे बढ़े थोड़ा सा आगे बढ़े चलो क्वेश्चन नंबर टू देखो थ्री रूट फाइव माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ थ्री रूट फाइव माइनस रूट टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ थ्री रूट टू माइनस रूट फाइव ठीक है आपको एक्स इंटू वाई चाहिए ध्यान रखना आप लोगों को एक्स और वाई नहीं निकालना है आपको एक्स इंटू वाई एक काम करते हैं ना क्या मैं इस चीज को लिख दू x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री रूट फाइव यह तो बहुत ही हलवा था यार यहां से x माइनस वाई का स्क्वायर थ्री रूट टू माइनस रूट फाइव लिख दू क्या कोई दिक्कत तो नहीं है ना अब इन दोनों इक्वेशंस को सप्रेक्ट कर देता हूं सपरेक्ट क्यों करूंगा ध्यान से सुनना क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होगा और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई होगा दोनों को सेपरेट किया तो फोर एक्स वाई हुआ मेरा दोनों को सेपरेट किया तो फोर एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री रूट फाइव माइनस रूट फाइव हो गया फोर रूट फाइव माइनस फोर रूट टू तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू रूट फाइव माइनस रूट टू कंपेरिटिवलीजी था बस यही चीज क्लिक करनी थी आप लोगों को लिखो फटाफट वेरी गुड सिड एंड गुन्नू सोज। ओके अजीब नाम बने रखा भैया अगले वाले दोनों सेम टाइप के प्रॉब्लम्स। छसो पाँच सौ एक सौ पच्चीस पाँच ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो अगले वाले में क्या होगा 77 सेवन माइनस ट्वेंटी रूट थ्री माइनस ट्वेंटी रूट थ्री क्यूब रूट प्लस 77 सेवन प्लस ट्वेंटी रूट थ्री एक काम करो इसको ए मान लो क्या मान लो ए मान लो ठीक है अब इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो दोनों तरफ क्यूब कर दो क्यूब करने से क्या होगा ए क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई क्यूब थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई बनेगा क्या अच्छा एक्स प्लस वाई खुद ए है एक्स प्लस वाई खुद ए है तो क्या बनेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू थ्री एक्स वाई इन टू ए बनेगा क्या अच्छा ए क्यूब तो निकालना है भाई साहब ए तो एक्स क्यू मतलब ये नंबर है वाई क्यूब मतलब सेवनटी सेवन प्लस ट्वेंटी रूट थर्टीन प्लस थ्री इन टू क्यूबिक रूट ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनेगा 77 सेवन का स्क्वायर ट्वेंटी रूट थर्टीन का स्क्वायर ए ऐसे कुछ बनेगा क्या देखो ये चीज कैंसल आउट हो जाएगी ये बन गया ए क्यूब ये बन गया वन फिफ्टी फोर प्लस थ्री ए क्यूबिक रूट ऑफ ठीक है यहां पे ध्यान से देखना ट्वेंटी का स्क्वायर फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड इंटू थर्टीन फाइव टू डबल जीरो फाइव टू डबल जीरो सेवन का स्क्वायर 77 सेवन का स्क्वायर कितना होगा वन टू वन इंटू फोर्टी नाइन यही होगा वन टू वन इंटू फोर्टी नाइन कितना होता है ये नाइन टू जा एटीन वन जीरो एट नाइन फोर एट फोर नाइन टू नाइन फाइव नाइन टू नाइन फाइव नाइन टू नाइन माइनस ठीक है क्या बन जाएगा ये ए क्यूब इक्वल्स टू वन फिफ्टी फोर प्लस सेवन टू नाइन आएगा क्या ये और सेवन टू नाइन का क्यूब कितना होता है नाइन होता है नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ए आएगा क्या तो ए क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन ए इक्वल्स टू वन फिफ्टी फोर ठीक है एक काम करो ए कॉमन लो ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सेवन वन फिफ्टी फोर ठीक है चेक करो वन फिफ्टी फोर कितना होता है वन फिफ्टी फोर कितना होता है वन फिफ्टी फोर किसकी टेबल में आता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इंटू सेवन ट्वेंटी टू इंटू सेवन शायद ए का वैल्यू सेवन सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है ना क्योंकि सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी सही है तो ए का वैल्यू सेवन आ गया अब बात आती है सर सेवन के अलावा भी तो हो सकता है क्योंकि ए, ये एक्चुअली क्यूबिक है तो एक काम करो ए माइनस सेवन फैक्टर से डिवाइड करो एक क्वाड्रेटिक बनेगा जिसके रूट्स रियल नहीं होंगे जिसके रूट्स रियल नहीं होंगे ठीक है तो जब भी ऐसा कुछ दिखाई देना कॉन्जुगेट्स टाइप आप का आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे उनके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई नहीं करना होता है आइडेंटिटीज को यूज करते हुए चलो हेल्प मिलेगा आई बात समझ में क्लियर है फटाफट से लेखो इसको लिख लिया एंड वाला पार्ट तो बेटा आपने एल्जेब्रा में पढ़ा होगा ना रूट्स निकालना क्यूबिक इक्वेशन के मैंने ए कॉमन लिया ये बना मैंने इसको फैक्टराइज़ किया बेटा 154 को क्या लिख सकता हूं मैं 22 टू इंटू सेवन या सेवन इंटू टू इंटू इलेवन तो मैंने सेवन वैल्यू रख के देखी ए की एक ही, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसका आंसर सेवन आ गया बेटा बाकी क्यूबिक रूट के क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना अगर आता है उससे भी कर सकते हो <laughs> ठीक है तो सेम प्रॉब्लम है ये वाला कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है सोल्व करके ठीक है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है ठीक है बच्चों तो चलो आज के लिए इतना ही ठीक है सर्च वाला पार्ट था ठीक है रेसलाइजेशन ठीक है इस पर बेस्ड और अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर